हरिद्वार में 2 मार्च 2019 को आरसेठी में चल रहे 10 दिवसीय कैंप का समापन किया गया। आरसेठी के बैनर तले बेरोजगार युवकों को रोजगार चलाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया, जिससे नवयुवक अपने अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके और 2 से 4 जरूरतमंद लोगों को रोजगार दे सके। आरसेठी के बैनर तले चल रहे कैंप का समापन आरसेठी के निर्देशक प्रदीप कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। उन्होंने ट्रेनिंग ले रहे नव युवकों को अपने अपने काम के लिए प्रोत्साहित किया और ये बताया कि सभी नव युवक सही तरह से अपने अपने काम को अंजाम देंगे और समय समय पर बैंक से लिए गए लोन को चुकाते रहेंगे। इसी के साथ ट्रेनिंग टीचर गीता कपूर एवं मर्यादा मैडम ने भी सभी नव युवकों को अपने अपने काम के लिए प्रेरित किया और शुभकामनाएं दी। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है, मैं ये पंजाब नेशनल बैंक आरसेटी में एज ए डायरेक्टर कार्यरत हूं। सर, जैसे कि आपने आरसेटी का नाम लिया, ये आरसेटी है क्या? आरसेटी एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पे जो बेरोजगार युवक जो पढ़े लिखे हैं उनको जो रोजगार करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि लोग अपना स्वरोजगार करके भी अच्छे से अपना परिवार कर सके। सर, आप आरसीटी के अंदर किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? यहाँ कई तरह से ट्रेनिंग है, जैसे महिलाओं के, ग्रामीण महिलाओं के लिए भी है, उनको सिलाई की ट्रेनिंग हो गई और ब्यूटी पार्लर और भी जो घरेलू उत्पाद होते हैं उनके अपने आप बनाते हैं, अचार में पापड़ मेकिंग हो गया और ये सब की ट्रेनिंग टोटल मिला के देते हैं, ताकि महिलाएं अपने उसके घर के साथ साथ ये अपना थोड़ा अपना घर के काम करके अपने उसमें पैरों पे खड़ी होकर अपने घर पे अपना योगदान दे सके और अपने बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करा के अपना जीवन में योगदान उसमें कर सके। सर, ये ट्रेनिंग आप हर साल देते हैं या हर महीने देते हैं? ये ट्रेनिंग एक्चुअली ये जो है एक KVIC और DIC और KVIB एक संस्था है, वहाँ से सब जितने ये कैंडिडेट्स होते हैं उनके इंटरव्यू होते हैं, ऑनलाइन चढ़ते हैं और वो ऑनलाइन हमारे पास जब आते हैं तो मिनिमम जब 10 कैंडिडेट्स होते हैं तो पूरे साल ये ट्रेनिंग चलती रहती है। मैम, क्या मैं आपको शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मर्यादा पाल है और मैं यहाँ एज ए फैकल्टी कार्यरत हूँ। तो आप भी क्या ट्रेनिंग बच्चों को ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग क्लास देती हैं? हम लोग यहाँ पे कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, मींस ट्रेनिंग को कंडक्ट करना वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। मैम, क्या मैं आपको शुभ नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, मेरा नाम गीता कपूर है और मैं आरसीटी में संकाय के पद पर कार्यरत हूँ। आप भी यहाँ पर एज ए ट्रेनिंग टीचर है या एज ए ऑफिस स्टाफ में? मैं ऑफिस स्टाफ में हूँ और एज ए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिए प्रातःकाल गुड मॉर्निंग इंडिया सिर्फ 24 आवर्स टुडे न्यूज पर। आज महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों में बम भोले के जयकारे गूंज उठे। अमीर शहीदों की याद में रेवाड़ी के युवा डाक कावड़ लाए। रेवाड़ी के प्राचीन घंटेश्वर महादेव मंदिर में डाक कावड़ चढ़ाई, जल अभिषेक कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर अरविंद यादव प्रदेश उप प्रमुख भाजपा ने डाक कावड़ियों का रेवाड़ी पहुंचने पर स्वागत किया। महाशिवरात्रि के पर्व की मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को बधाई दूंगा, खूब स्वाद के साथ सब पर भोले की कृपा बनी रहे। आज ये रेवाड़ी के नवयुवक कावड़ लेकर आए हैं, अभी कावड़ चढ़ाने का कार्यक्रम है। जितना उत्साह जोश नौजवानों में है, बम बम भोले के नारे लगाते हुए आए हैं। अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की ओर से सब नौजवानों को, सब प्रदेश के लोगों को, सब रेवाड़ी वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बारिश के बाद जिले में कोहरे ने ओढ़ी चादर, लोगों ने लिया अलाव का सहारा, मौसम ने ली करवट। सफेद चादर में लिपटी पीतल नगरी, लोग घरों में डुबकने को मजबूर। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन, किसानों के चेहरे मुरझाए। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति पुनासा द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना को लेकर पुनासा SDM के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि पुनासा में बाबा साहेब के अनुयायी व क्षेत्र की जनभावना को दृष्टिगत रखते हुए भव्य अम्बेडकर प्रतिमा स्थापित हो। डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति के पदाधिकारी डेम तिराहे पर एकत्रित होकर वहाँ से मुख्य मार्ग से होते हुए भव्य रैली के रूप में SDM कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन कार्यक्रम में बलराम सिंह रावत, प्रेमलाल कोठारे संभागीय महासचिव मध्य प्रदेश, अजाक्स जितेंद्र सावनेर, आदर्श खंडेल, खैलेंद्र
सावनेर महेश पनवार, अनिल सावनेर, हेमराज बौद्ध, लोकेश शिलिमनपुरे, मनोज ओसवाल, प्रेमलाल कोठारे सहित बड़ी संख्या में भीम अनुयायी व छात्र छात्राएं शामिल रहे। ज्ञापन का वाचन मनोज खर्जे व आभार खेलेंद्र सावनेर ने माना। जल्द ही लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए गली मोहल्ले की न्यूज, देखना ना भूलिए सिर्फ 24 आवर्स टुडे न्यूज पर। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विभिन्न राजनीतिक दलों की व्यवस्था बढ़ चुकी है, वहीं दरम जिले का मंगलदेई लोकसभा समष्टि के सांसद के टिकट के उम्मीदवार रूप से खड़ा हुआ है। छिपाझार के बनमाली शर्मा, दरम जिले के छिपाझार की बासिंदा बनमाली शर्मा ने मंगलदेई लोकसभा समष्टि के सांसद के लिए दावेदार। बनमाली शर्मा के एक उच्च शिक्षित समाजसेवी एवं एक युवा नेता है। मंगलदेई प्रेस क्लब पर प्रेस मीट का आयोजन किया गया। प्रेस मीट पर मन की बात कहते हुए कहा कि वह भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे प्रेरित होकर राजनीति में आने का फैसला लिया था, उसके साथ ही वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आसाम के वित्त मंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा से उन्हें उत्साह मिला और वह बातों से नहीं कामों से परिचय देना पसंद करते हैं। जीत पाऊंगा और टिकट भी मेरे को मिलेगा। हाँ, वो तो लास्ट 10 ईयर्स यहाँ पे एमपी था, लेकिन आप लोगों को शायद मालूम पड़ा यहाँ पे 1967 से अभी तक 10 नंबर्स ऑफ एमपी हो गया, लेकिन ओनली 1 एमपी हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं और अदर्स हम लोगों का यहाँ से नहीं है, इसीलिए अविभक्त दरंग से हाथ समस्ते आ जाता है और लगभग मोर देन 10 लाख पीपल्स हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं और टोटल 17 लाख 180 नंबर्स वोटर है हम लोगों का, इसलिए सोच रहा हूँ तो हम लोग टिकट मिलने से तो ज़रूर हम लोग जीत पाऊँगा और वही पब्लिक भी सोच रहा है जो बनमाली शर्मा को टिकट मिलना चाहिए और जो प्रेजेंट एमपी है, प्रेजेंट एमपी को और राज्य पर्याय में कुछ अच्छा सा इसको विषय बा मिलने से अच्छा होता। ख्याल फर्स्ट तो नहीं आया था, लेकिन सोशल मीडिया पे जब अटल जी का वियोग हुआ था उस दिन थोड़ा डिस्कस हो रहा था। मंगलदेई लोकसभा चुनाव पे एक युवा लोकल कैंडिडेट आने से अच्छा होता, तब मेरा नाम ज़्यादा आ रहा है, बनमाली शर्मा, बनमाली शर्मा। इसके बाद लास्ट 10 ईयर्स हम लोग जितना तक गया सब लोगों ने तो बनमाली शर्मा को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए सोचा वही सही टाइम हम लोगों को वो चुनाव लड़ने के लिए और जो मंगलदेई लोकसभा है वो हम लोगों का बीच आने के लिए हम लोग वही सोच रहे हैं हम लोग।